हेलो एवरीवन, मैं रितेश आप सभी को इंजीनियर्स प्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 36/100। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर। तो क्या करना होता है, हर को अंश में भाग देना होता है, यानी ऊपर वाला जो होता है उसे बीच में लिखा जाता है और हमें 100 से डिवाइड करना। तो ये क्या है, हमारा 100 से छोटा है तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो भाग का नियम क्या होता है, दशमलव लगाने से एक जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे 100 का पहाड़ा, 100 तिया 300, 100 चौके 400। तो 400 फिर बड़ा हो गया इसलिए 400 नहीं लगा सकते, तो 3 से हम लोग लगा देंगे 300। कितना बचा, 60। अब क्या है, भाग का नियम है, अगर हम दशमलव दे दिया हम लोगों ने तो एक जीरो यहाँ उतरेगा। अब पढ़ेंगे 100 का पहाड़ा, 100 चौके 600। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, दशमलव रूप क्या हो गया, 0.36। अब क्या पूछ रहा है, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार में दो टाइप का होता है, अगर शेषफल हमारा जीरो हो गया, शेषफल जीरो देन क्या होता है, और शेषफल अगर जीरो नहीं है देन क्या होता है। शेषफल अगर जीरो है तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। अगर शेषफल जीरो नहीं होता है, कितना भी भाग लगा लो शेषफल जीरो नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनवशानी दशमलव या अशांत दशमलव। ओके, तो ये हमें क्या दे रहा है, शेषफल जीरो दे रहा है, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, शांत दशमलव। नेक्स्ट है हमारा क्या, 1/11। सेकेंड है हमारा 1/11। इसमें भी फिर से हम सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, ये आंसर है ये हर है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर अब क्या करेंगे, 11 में 1 को भाग देंगे। तो क्या, 1 हमारा क्या है, 11 से छोटा है, तो क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। फिर भी 10 क्या है हमारा, 11 से फिर छोटा है, फिर भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, जीरो का प्रयोग करेंगे, यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ भी जीरो। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 × 99, 11 × 10 = 110, तो 10 से तो नहीं लगेगा इसीलिए 11 × 99 हमारा बच्चा 1। फिर ये दशमलव के बदले हमारा जीरो, फिर 10 क्या है हमारा छोटा है, तो फिर हम जीरो देंगे तो यहाँ एक जीरो होगा, फिर 11 × 99, फिर हमारा शेषफल क्या हो गया, 1। अब यहाँ चेक करेंगे, ये क्या हो रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है, ये क्या है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने के बाद इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ये 0.09। इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जो संख्या जहां से रिपीट कर रहा है उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरावर्ती। क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती। अब क्या करते हैं, अब हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो क्या हम लोगों ने देखा, अगर शेषफल हमारा क्या है, जीरो के बराबर नहीं है तो कौन सा है, अनवशानी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया
अनव नानी दशमलव। नेक्स्ट है हमारा चार पूर्णांक एक बटे आठ, क्या हमारा चार पूर्णांक एक बटे आठ, इसे भी हम लोग क्या करेंगे सेम को क्या करेंगे पहले इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसमें इससे गुना और ये प्लस किया जाता है, यानी कितना हो गया आठ चौके बत्तीस और ये इसको हमें प्लस करना है, तो बत्तीस एक तैतीस और बट्टा में क्या होता है सेम जो बट्टा में दिया हुआ है सेम उसी को लिया। अब क्या करना है, ये हो गया हर, ये अंश, तो हर को अंश में भाग देना होता है, इसीलिए आठ ये हमारा तैतीस। अब लगाएंगे आठ का पहाड़, आठ चौके बत्तीस, कितना बचा वन। अब क्या हुआ वन छोटा हो गया, फिर दशमलव, अब क्या है आठ एकम आठ हमारा दो बच गया, फिर दशमलव यहाँ इसीलिए जीरो, आठ दोनी सोलह तो हमारा चार, फिर दशमलव है ही इसीलिए जीरो हो जाएगा, आठ पंचे चालीस, क्या हो गया हमारा रिपीट नहीं कर रहा यानी पूरा पूरा भाग लग रहा है 4.125। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल हमारा है जीरो, तो इसीलिए कौन सा है ये शांत दशमलव। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीन बट्टे तेरह, क्या हमारा तीन बट्टे तेरह, फिर इसको इससे भाग देना होगा यानी तीन में तेरह से भाग देना है, तीन फिर क्या हमारा छोटा है तो दशमलव का प्रयोग करेंगे तो एक जीरो कितने से लग जाएगा तेरह का पहाड़ा पड़ेंगे, तेरह तीन उनचालीस तो बड़ा हो गया, तेरह दुनी छब्बीस कितना हो गया फोर, ये हमारा फिर दशमलव है इसीलिए जीरो। अब लगाएंगे तेरह तिया उनचालीस हमारा कितना हो गया वन, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, दशमलव वाला भी उतार दिया हम लोगों ने तो क्या लगाएंगे जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अब तेरह सते इक्यानवे, तेरह सते इक्यानवे अब नाइन, अब फिर दशमलव के बदले जीरो, अब तेरह छोके अठहत्तर, अब तेरह सते इक्यानवे बड़ा हो जा रहा है इसीलिए छह लगाएंगे ये दो और ये हमारा वन ये जीरो। अब तेरह नमा लगा देंगे, तेरह नमा एक सौ सत्रह हमारा क्या हो गया थ्री, अब क्या होगा जीरो, दो बटे ग्यारह। अब क्या करना है ग्यारह में दो से भाग दो, ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो, ग्यारह एक कम ग्यारह ये नाइन, फिर ये जीरो, ग्यारह अठे अठासी ये हमारा दो, फिर जीरो, ग्यारह एक कम ग्यारह फिर नाइन, फिर ग्यारह अठे अठासी, फिर क्या हो रहा है सेम रिपीटेशन, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे 0.18 का पुनरावृत्ति। तो इसको इसका कौन सा प्रसार है फिर हमारा ये कौन सा है 0.18, ये हमारा कौन सा है अनवसानी दशमलव। अब नेक्स्ट है हमारा 329 बटे 400 दुनी 26 हो गया 26, फिर 4 ये 0, फिर तेरतिया उनचालीस, फिर वो ये हमारा वन। अब देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ फिर से टू थ्री से रिपीट होने लगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा जीरो फिर आएगा, फिर सेवन आएगा, फिर सिक्स आएगा, फिर नाइन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, डॉट 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 ऐसे आता जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया
0.230769। ये रिपीट कर रहा है सारा शुरू से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा पूरा पूर्णावृत्ति। अब क्या करेंगे, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो कौन सा दशमलव प्रसार है, शेषफल का भी जीरो नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है अनवसानी दशमलव। ओके नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11, लास्ट हमारा क्या है 329/400। क्या करेंगे 400 से 329 में भाग देंगे, तो फिर दशमलव लगाएंगे, छोटा है इसीलिए। अब क्या करेंगे 4 8 कितना होता है 3200, यानी 400 गुने 8 3200। ये हमारा 9, ये हमारा 0, फिर दशमलव छोटा है दशमलव लगाएंगे तो 0, 4 2 8 यानी 800। फिर हमारा ये 100, फिर ये छोटा है फिर 0, हमारा क्या होगा फिर से 4 2 8 800 हमारा 200, फिर 10 हो जाएगा, 4 5 20। अब क्या हो गया पूरा पूरी लग गया, हमारा कितना हो गया 0.8225। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा पूरा लग गया, इसीलिए क्या हो जाएगा अंत दशमलव। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।